नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी शो के एपिसोड नंबर 22 में, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट साउथ मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन से। अल्लू अर्जुन से रिलेटेड हमारे पास आज दो अपडेट हैं और हमारे इस वीडियो का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से अल्लू अर्जुन पर ही डेडिकेटेड रहने वाला है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इस समय अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं और ये 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज होने वाली है। इसके बाद अल्लू अर्जुन की अगली लाइनअप में कौन सी फिल्में होंगी, इसकी डिटेल ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। दोस्तों अब तक अल्लू अर्जुन की दो फिल्में ऑफिशियल तौर पर अनाउंस हो चुकी है। एक है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ और दूसरी है त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ। ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि अल्लू अर्जुन 22 के तौर पर कौन सी फिल्म फ्लोर पर जाएगी। उम्मीद तो यही थी कि संदीप रेड्डी वांगा के साथ बनने वाली फिल्म में अल्लू अर्जुन की 22 फिल्म होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ जाने वाली फिल्म अल्लू अर्जुन 22 होगी और इसके बाद अल्लू अर्जुन 23 के तौर पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म हो सकती है। दरअसल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इस समय एनिमल फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और इसके बाद वे प्रभास के साथ स्प्रिट फिल्म को बनाएंगे, जिसको रिलीज होते होते 2024 तो लग ही जाएगा। वहीं उधर अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज हो चुकी होगी। चूंकि त्रिविक्रम श्रीनिवास की मूवी SSMB 28 यानी कि गुंटूर कारम की रिलीज डेट संक्रांति 2024 के लिए लॉक करके रखी गई है और इसके बाद त्रिविक्रम श्रीनिवास फ्री हो जाएंगे। इसी के चलते पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्म को हरी झंडी मिली है और अब तो इस फिल्म से रिगार्डिंग अपडेट भी निकल कर आने लगी है। दोस्तों AA22 डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास और अल्लू अर्जुन का फोर्थ कोलैबोरेशन होने वाला है। इससे पहले इन दोनों ने जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति और आला वैकुंठ पुरमलो जैसी फिल्मों में साथ काम किया है और ये तीनों ही फिल्में हाईली सक्सेसफुल रही थी। डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास को अपने क्राफ्ट में महारत हासिल है। ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक नॉर्मल से सीन या नॉर्मल से कहानी को भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ऑडियंस पूरी फिल्म के दौरान इंगेज रहती है, और इनके लिखे डायलॉग कमाल के तो होते ही हैं, इसीलिए ऑडियंस इन दोनों के फोर्थ कोलैबोरेशन को लेकर सुपर एक्साइटेड है। दोस्तों हर डायरेक्टर का ये ड्रीम होता है कि उसकी फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज़ हो, मगर दुर्भाग्य से त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक भी फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज़ हो नहीं पाई है। इनकी आने वाली फिल्में SSMB 28 यानी कि गुंटूर कारम, और आप ये मान के चलिए कि इस फिल्म की हिंदी रिलीज को भी रोक के रखा जाएगा, क्योंकि प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू को SSMB 29 से एक ग्रैंड लॉन्च देना है। इसीलिए डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने मन बना लिया है कि वे अपनी फिल्म AA22 को पैन इंडिया लेवल के स्तर से बनाएंगे। ये हरिका हसनी और गीता आर्ट्स का जॉइंट वेंचर होने वाला है। दोस्तों जिस किसी को भी लगता है कि डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास की फिल्मों की पैन इंडिया अपील नहीं होती है, उनका भ्रम इस फिल्म से टूटने वाला है। दरअसल डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास इस फिल्म की कहानी पर पिछले 2 साल से काम कर रहे थे और ये एक हार्डकोर एक्शन फ्लिक बताई जा रही है। इसकी अपील ग्लोबल लेवल की होगी और ये RRR की तरह ही फिल्म होने वाली है। आप इस फोर्थ कोलैबोरेशन को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट जो अल्लू अर्जुन से रिलेटेड निकल कर आई है, वो है इममॉर्टल अश्वत्थामा से रिलेटेड। उरी फेम डायरेक्टर एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है इममॉर्टल अश्वत्थामा, और इस फिल्म को लेकर वे काफी लंबे समय से अल्लू अर्जुन के साथ डिस्कशन में थे। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को अपने कैरियर का 2 साल देना होगा, साथ ही साथ VFX इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। चूंकि अल्लू अर्जुन आदि पुरुष का हश्र देख चुके हैं, जहां पर VFX ने पूरी तरह से ऑडियंस को लेट डाउन किया था, इसलिए अल्लू अर्जुन नहीं चाहते कि वे इतने VFX वाली फिल्म में काम करें। साथ ही साथ वे वन मूवी एक्सपीरियंस डायरेक्टर को इतना लंबा वक्त देना नहीं चाहते हैं, इसलिए रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई है कि अल्लू अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ना कर दिया है। अब देखते हैं कि इस फिल्म में किस एक्टर को साइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डार्लिंग स्टार प्रभास की। दोस्तों प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी पिछली 3 फिल्मों ने ऑडियंस को लेट डाउन किया है। इनकी आने वाली फिल्म में सलार और इस फिल्म को लेकर हम ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में वो प्रॉमिस नजर आ रहा है कि ये फिल्म ऑडियंस को लेट डाउन नहीं करेगी। इसके बाद प्रभास की अगली फिल्म होगी प्रोजेक्ट के, जिसकी रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 के लिए लॉक करके रखी गई है। दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रभास अगेन इस फिल्म में एक डिवाइन कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फिल्म आदि पुरुष में प्रभास ने भगवान राम का पात्र प्ले किया था और इस रोल में वे किसी भी तरह का भाव अपने चेहरे पर ला नहीं पाए थे। अब ऐसा बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के में प्रभास भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को प्ले करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट के में जो के है वो कल्कि को ही डोनेट करता है। इस फिल्म में प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दुलकर सलमान जैसे एक्टर तो नजर आएंगे ही, साथ ही साथ इस फिल्म में मेन विलन के तौर पर कमल हसन साहब को कास्ट किया गया है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
नेक्स्ट बात करते हैं K46 की। दोस्तों साल 2022 में कन्नड़ इंडस्ट्री पूरी तरह से साइन करके आई थी, लेकिन 2023 में कोई भी बड़ी फिल्म या कोई बड़ी अपडेट इस इंडस्ट्री की तरफ से निकल कर नहीं आई। लेकिन फाइनली कल के दिन K46 नाम की फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि सुपरस्टार बादशाह किच्चा सुदीप की अगली फिल्म होने वाली है। दोस्तों इस फिल्म के 2 मिनट 45 सेकंड के टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में फिल्म का जो लुक है किच्चा सुदीप का, फिल्म का BGM और सिनेमाटोग्राफी काफ़ी टॉप नॉच लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का कंटेंट कुछ बहुत ही यूनिक होने वाला है। ये फिल्म अगेन पैन इंडिया पर रिलीज़ होगी और लेट्स होप कि ये कन्नड़ा फिल्म अगेन KGF और कंतारा की तरह कोई बड़ा धमाका करके दिखाए। आप किच्चा सुदीप की इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट बात करते हैं रामपोथी नैनी की। दोस्तों रामपोथी नैनी की पिछली फिल्म द वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप थी, लेकिन अब रामपोथी नैनी के फैंस के लिए राहत की खबर है। रामपोथी नैनी अपनी अगली फिल्म को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और ये फिल्म है रेपोटेंटी। अभी अभी इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि इस्कंदा निकल कर आया है। डायरेक्टर बोयापति श्रीनो की ये फिल्म है, जिनकी पिछली फिल्म अखंडा ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी थी। अब वे रामपोथी नैनी को एक मासी एलिवेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। इस फिल्म में एस थमन का म्यूजिक होगा और श्रीलीला इस फिल्म में रामपोथी नैनी के अपोजिट में नजर आएंगी। अच्छी बात यह है कि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो रही है। अब देखते हैं कि रामपोथी नैनी की फिल्म हिंदी बेल्ट में कुछ खास कमाल कर पाएगी या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं निखिल सिद्धार्थ की। दोस्तों कार्तिकेय 2 से पैन इंडिया सेंसेशन बने निखिल सिद्धार्थ की अगली फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी। खासकर स्पाई का जो ट्रेलर निकल कर आया था और उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का एंगल दिखाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म भी अपने वर्ड ऑफ माउथ के दम पर काफी तगड़ा बिजनेस करेगी। लेकिन जो इस फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आया है, उससे ऐसा लगा कि मानो इस फिल्म ने ऑडियंस का काटा हो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वाला एंगल फिल्म का माइनर सा हिस्सा था, इसी के चलते ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने की क्या ही जरूरत थी। इस फिल्म से ऑडियंस का तो कटा ही, साथ ही साथ निखिल सिद्धार्थ की ब्रांडिंग पर भी हार्म पहुंचा है। दोस्तों जब इस फिल्म का ट्रेलर निकल कर आया तो निखिल सिद्धार्थ के फिल्म सिलेक्शन की काफी तारीफ हुई थी, इंक्लूडिंग मैंने भी निखिल सिद्धार्थ की काफी तारीफ करी थी। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट देखकर दुख हुआ और मैं पर्सनली खुद कहूंगा कि निखिल सिद्धार्थ प्रभास की तरह पैन इंडिया सक्सेस को दोहरा नहीं पाए। नेक्स्ट बात करते हैं पवन कल्याण की लिस्ट अवेटेड मूवी उस्ताद भगत सिंह की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि फैंस इस फिल्म के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हैं, क्योंकि फैंस चाहते थे कि उनका सुपरस्टार अब रीमेक फिल्मों में काम ना करे। लेकिन पवन कल्याण की आने वाली दोनों फिल्में, फिर चाहे वो ब्रो हो या फिर उस्ताद भगत सिंह, दोनों ही फिल्में रीमेक हैं। आपको बता दूं उस्ताद भगत सिंह के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। डायरेक्टर हरीश शंकर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पवन कल्याण के साथ गब्बर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी। आपको बता दूं ये फिल्म थलपति विजय की मूवी थेरी की रीमेक है। नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्टर एटली कुमार की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि एटली कुमार इस समय शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद वे थलपति विजय के साथ फिल्म बनाएंगे या थला अजीत कुमार के साथ, इसमें अभी डाउट है। लेकिन फिलहाल इनके प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई जा रही है, जिसके हीरो होंगे वरुण धवन। दोस्तों इस फिल्म में एटली कुमार की पूरी टीम होगी, हालांकि एटली कुमार इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर रहे। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे कलीज, जिन्होंने की नाम की फिल्म बनाई थी। बताया जा रहा है कि ये एक हार्डकोर एक्शन फिल्म होगी और कुछ रिपोर्ट ऐसी भी निकल कर आई है कि ये फिल्म थलपति विजय की मूवी थेरी की रीमेक है। अब ये देखना होगा कि ये फिल्म वाकई में थेरी की रीमेक है या एक ओरिजिनल फिल्म है। लास्टली बात करते हैं संक्रांति क्लैश 2024 की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, संक्रांति साउथ का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है और इस दिन कई बड़े बड़े एक्टर अपनी फिल्मों को रिलीज करते हैं। 2024 के संक्रांति पर ऑलरेडी दो फिल्में अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर चुकी हैं। 12 जनवरी 2024 को प्रभास की मूवी प्रोजेक्ट के और 13 जनवरी 2024 को महेश बाबू की गुंटूर कारम रिलीज होने वाली है। लेकिन इन दो बड़ी फिल्मों के बीच एक और डायरेक्टर ने अपनी फिल्म अनाउंस कर दी है। ये डायरेक्टर हैं प्रशांत वर्मा और इनकी फिल्म हनुमान भी 12 जनवरी 2024 को ही रिलीज़ होने वाली है। यानी कि इस संक्रांति हम लोग को हनुमान वर्सेस गुंटूर कारम वर्सेस प्रोजेक्ट के देखने को मिलेगा। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपने कैरियर के 2 साल दिए हैं और वे अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि वे इस फिल्म से ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा फिलहाल हमारा #FV22। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।